नमस्कार, अनुपूर्णा खाना विद गाना यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा बच्चों को घुमाने के लिए लेके जाती हूँ। आज का जो ब्लॉग है, थोड़ा बच्चों के साथ टाइम मैं बिताना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इनको घुमाने के लिए नहीं लेके गई हूँ, तो इसलिए थोड़ा यहीं बगीचे में घुमाने के लिए लेके जाती हूँ। अम्मा इसको क्या बोलते हैं? ये है बेटा बकेन, बकेन की टहनी। जय श्री राम। ये बकेन की टहनी है और ये गिर गई बेटा। अभी तूफान चल रहा था ना बहुत ज्यादा, तो इसलिए ये गिर गई। ठीक है, क्या है ये? बकेन। चलो घूमने, घुमा के लाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी बहुत तेज तूफान आया था। ये देखिए, ये टहने बिल्कुल ऐसे गिर गए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत खतरनाक तूफान आया था इसलिए हम, पर जो तूफान के बाद मौसम बिल्कुल बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बिल्कुल लीची का बगीचा कैसे सुंदर दिखाई दे रहा है। और अभी तो थोड़ी लीची जो है हरी है, और ये पूरी वहाँ तक जहाँ तक नज़र जा रही है मेरी, पूरी लीची का ही बगीचा है। जितना भी मैं चलते जाऊँ लीची का ही बगीचा दिखेगा। और सामने है जानवर, यहाँ पे गाय चराने के लिए अभी लोगों ने छोड़ दिए है, क्योंकि अभी बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और मस्त होके गाय खुजली भी कर रही है। और ये लीची ही लीची का बगीचा है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे पूरा लीची का ही बगीचा है। ये देखिए, ये पूरा लीची का बगीचा है। जितना भी मैं चल रही हूँ लीची ही लीची दिखाई दे रही है। सच में बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे। वाह, अभी तो ये हरी है लीची, अब 10-15 दिन के बाद ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, जो अचार के जो आम होते हैं वो तोड़ने के लिए यहाँ पे लोग, जो बाग वालों ने रखे हैं यहाँ पे, जो श्रमिक लोग हैं, तो ये देखिए। और बेचारे एक भैया का तो इन लोगों ने बना ही दिया है। ये हमारे ठेकेदार। अच्छा, ये ठेकेदार है। उधर अच्छा, ये है। चलो, ये बगीचे के ठेकेदार है आम के, और ये इनके साथी है। चलो, तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे बिल्कुल आम कितने सुंदर लग रहे हैं। मन कर रहा है कि अभी इसको नमक मिर्च लगा के खा जाऊं। और पहले हम शादी से पहले बहुत ज़्यादा आम खाते थे, पर अब इतना नहीं खाते हैं, अब सीधे मीठे आम खाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, शाम के 6 बज रहे हैं और कितना सुंदर व्यू लग रहा है। और ये आपको बता दूं मैं, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये है बैराज। तो ये बैराज का नज़ारा है और बहुत सुंदर व्यू लग रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जब आम पे भौर आते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं ये लोग, ये पेटियाँ रख देते हैं शहद को बनाने के लिए। और मधुमक्खी अच्छा खासा शहद इन पेटियों में बना देता है, और मुझे लगता है कि ये 5-6 महीने तक तो ये पेटियाँ यहीं रहती है, जब तक आम का बिल्कुल आम बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, तब तक ये जो पेटियाँ हैं इसी में ये शहद बनाते हैं और अच्छा खासा बिजनेस करते हैं। नहीं, मैं भी कोचिंग जॉब गेर दे पे कोचिंग जॉब गेर और फ्रेंड्स, यहाँ पे मिल गई हमें लेंटेना झाड़ी, और यश्री तोड़ रही है इसके बीज भी और फ्लावर्स भी। ये है लेंटेना के बीज। चलो, मैं पुलिया पे खड़ी हूँ, ये पुलिया है और ये है नहर। अमेजिंग। और फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे नहर के सामने बिल्कुल नींबू के पेड़ लगे हैं और ये जल्द ही फल देंगे, और बहुत सुंदर लग रहा है। और ये अमरूद के हैं, काफ़ी फलों के यहाँ पे पेड़ लगे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। और ये जो पीछे का व्यू है कितना सुंदर लग रहा है, नहर।
ऐसा मन कर रहा है कि अभी इसमें कूदूं, पर मुझे नहाना नहीं आता है नहर में। तो फ्रेंड्स थोड़ी देर में नेत्र की फ्रेंड आने वाली है अनाया, और नेत्र बहुत एक्साइटेड है कि कब अनाया आएगी और कब मैं अनाया के साथ खेलूंगा। तो आज नेत्र बहुत मस्ती करने वाला है। ये नेत्र और क्या है नाम, ओ भाग्य नेत्र खुश होगी, खुश होगी, खुश होगी नेत्र, खुश हो गया अनाया को, अनाया से मिलके हैं। ओ देखो आजा आप भी आजा भाई आजा, अरे बिछड़े हुए साथी मिल रहे हैं आज। क्या खाना, कैसे खाना यशी? उल्टे ही काम क्यों है बेटा आपके, बॉडी ऐसे बनती है, कभी टोकरी में जाती है कभी कपड़े उतारती है। यशु हाँ? कौन खाता है खाना? मैं। तू ऐसे ही जी रही बिना खाने की? मैं यशी बेटा तेरे को स्कूल जल्दी ही डालना पड़ेगा, तेरा एडमिशन कराना पड़ेगा, नहीं तो तू ना बर्बाद हो रही बिल्कुल ही। बॉडी बांध पड़ा कितने यशी? हाँ। क्या कर रहे बेटा, क्या कर रहे आप यशु, ये क्या कर रहे बेटा आप है? मुझे ऐसा लग रहा है आप चोर बनने वाले हो हैं। बेटा खुद नहीं निकालते बेटा फ्रिज से, मम्मा को बोलते हैं कि मम्मा तरबूज खाना है। मम्मा हाँ तरबूज खाना है। तो बेटा खुद क्यों निकाला? मम्मा हाँ मम्मा, अब आपकी वीडियो ना ये नेट पे जाएगी। हाँ। और सब बोलेंगे यशी चोर, यशी चोर। हाँ। है यशु कैसा है तरबूज? अच्छा टोटलू। तो फ्रेंड्स यहीं पे मैं वीडियो का एंड करती हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।